भास्कर समिति भोजपुर की केंद्रीय कमेटी का चुनाव स्थानीय हनुमान नगर स्थित समिति कार्यालय सीमोरा सदन में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित श्री रामलखन मिश्र ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान भास्कर के चंदन वंदन एवं राघव मिश्र के मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से युवा चंद्रशेखर मिश्र को अध्यक्ष चुना, वहीं देव कुमार पांडे उपाध्यक्ष बनाए गए। राघव मिश्र सचिव एवं मनोरंजन कुमार मिश्र को कोषाध्यक्ष पद इस बार बरकरार रखा गया है। समिति संरक्षक ब्रिज किशोर पाठक ने कहा कि केंद्रीय कमेटी गठन के बाद जल्द ही सभी रिक्त प्रखंड कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन सुनील कुमार मिश्र एवं धन्यवाद ज्ञापन रामेश्वर मिश्र ने किया। वहीं उपस्थित अतिथि व भास्कर परिवार का स्वागत अमृतेश कुमार ने किया। अच्छा रहा आज का चुनाव और बड़ा ही शांति माहौल में, और हमारे सूर्य भगवान की जो रोशनी है थोड़ी धीमी होती हुई, क्योंकि जैसा कि अभी मौसम विभाग का भी सूचना है कि 27 के आसपास क्षेत्रों में बूंदाबांदी का समय होगा, आसमान में बादल छाए रहेंगे, तो लग रहा है कि शायद इनका भी पूर्वानुमान सही है। और बहुत अच्छा लगा हमको भी इस तरह का जो आयोजन हुआ, हम भी अपना समर्थन आप सबका। हमारा बैठक है, इसमें मुख्य एजेंडा था कि कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी का गठन के लिए हम लोगों ने इस बैठक को बुलाया था, जो कि बड़ा ही शांति माहौल में और सर्व समर्थन से हम लोग हर काम को अपना आगे बढ़ाते हैं और भविष्य में भी यह उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सहयोग हमारे समिति को मिलता रहेगा। धन्यवाद। आज बैठक किया गया है, बैठक में कई बिंदु पर चर्चा हुआ है, खास किस बिंदु पर ज्यादा ध्यान? जय भास्कर। आज भास्कर समिति की आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य एजेंडा था भास्कर समिति का पुनर्गठन। चूंकि कोविड के कारण 2-3 माह पहले चुनाव होना था, लेकिन उसकी अवधि बढ़ा दी गई कोविड के चलते, इसलिए उसको आज संपन्न किया जा रहा है, आज दिसंबर 26 दिसंबर को। और यह जो समिति है, यह समिति सर्वसम्मति से इसका चयन हुआ और सब लोग यह संकल्प लिए कि हमारी जो नई टीम है, वह नई टीम आगे और अच्छा कार्य करेगी, बढ़ते रहेगी और सबकी सहमति से समिति का कार्य संचालन होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि सब ने भरपूर सहयोग दिया इस कमेटी के निर्माण में, किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ, बिल्कुल शांत वातावरण में, सौहार्द वातावरण में इसका गठन किया गया। इसके लिए मैं उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और मीडिया को भी, मीडिया संबंधित उनको भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इसमें सहयोग किया। धन्यवाद।